अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये रेड कलर का बटन है, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा, और ये बेल आइकन का जो बटन है इसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि फेस पैक से रिलेटेड है। लेकिन उसको बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो या बात करें हमने फेस पैक की, तो फेस पैक जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, गैस कीजिए क्या हो सकता है? सोचिए, चलिए बता देते हैं। तो ये फेस पैक जो है वो सिर्फ 1 रुपीज में है, और जो मैं बात कर रही हूँ वो है वो है हमारी 1 रुपी का कॉफी पैक, जो कि ब्रू का है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ इस फेस पैक की। आपने इसको कॉफी, बहुत से लोग कॉफी पसंद है, कोल्ड कॉफी में, ओरियो में, शेक्स वगैरह में पिया होगा, लेकिन आज जो है मैं इसको यूज करने जा रही हूँ फेस के लिए। हाँ फ्रेंड्स, हाँ आप सही सुन रहे हो कि मैं इसे आज अपने मतलब फेस के लिए यूज करने जा रही हूँ। हमारी जो ये कॉफी है वो हमारे फेस को टाइट रखती है, हमारे फेस को ग्लोइंग बनाती है, हमारे फेस की स्मूदिंग आ जाती है कुछ हद तक, जो व्हाइटनिंग है हमारे स्किन में, व्हाइटनिंग मतलब गोरापन आ जाता है। और लाइक हमारे, देखा होगा, वर्कलोड की वजह से आइस के नीचे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, और उसको भी कुछ हद तक ये जो है हटाती है। और इसको हर स्किन टाइप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं लाइक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन, तो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर अभी तक प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए। या चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हाँ, मैं पहले आपको बताती हूँ लाइक ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन जो लोग घरों में यूज़ करते हो, उनके घरों में तो कॉफ़ी रखी ही रहती है, तो बाहर से 1 रुपए की लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, लाइक हाफ स्पून ओनली, नॉट 1 स्पून, ओनली हाफ स्पून जो है आपको इस तरीके के बाउल में आप ले लेंगे। और मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन वाले इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ड्राई स्किन वाले जो है वो अपना हाफ स्पून, 1 पाउच, लाइक 1 पाउच अगर ले रहे तो पाउच, और लाइक आपके घर पे है तो हाफ स्पून, तो आप इसको लेंगे। और आप जो है इसमें ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑलिव ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और या आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और विटामिन ई, या और इसमें आप विटामिन ई भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जो डेड स्किन्स है, डेड स्किन सेल्स हैं, उनको ये निकालेगा, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपके स्किन को स्मूथ बनाएगा, और आपके स्किन को जो है वो टाइट रखेगा। अब बात करते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन। यस, और मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन वालों को क्या करना है, बहुत इजी है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें बहुत इजीली अपने घर पे मिल जाती हैं, और इसके लिए हमें बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं कि हमें नॉर्मल टू ड्राई, सॉरी ऑयली स्किन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी है। हम इसमें वही सेम एज इट इज़ हाफ स्पून या 1 पाउच हम ले लेंगे, 1 रुपी वाला, इसको इस तरीके से डालेंगे। और इसमें हम लोग जो है वो हनी यूज़ करेंगे, और मेरा हनी का डब्बा जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और हनी जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो लोग जो है वो कम पसंद करते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। आपको मैं सेकेंड ऑप्शन भी बता देती हूँ कि इसमें हम लोग रोज़ वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रोज़ वाटर जो है वो बताती हूँ यूज़ करके अपने फेस पे कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तो हल्के हल्के हाथों से इसको हल्का हल्के से अपने फेस को ना रब करें, तो आपकी डेड स्किन जो सेल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, और आपके स्किन पे आपको एक अच्छा सा असर नज़र आएगा। तो मैंने ये अपनी कॉफ़ी ले ली है, और मैं इसमें 1-2-3 ड्रॉप जो है इसमें हमें इतना डालना है
कि हमारे फेस पे ना ये अच्छे से अप्लाई हो जाए, मतलब ज़्यादा इसको थिन नहीं करना है कि ये लाइक वैसे टपकना से लगे, उस तरीके से नहीं करना है, इसको नॉर्मल रखना है ताकि हमारे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें अपना रोज वाटर जो है वो मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से देखिए मिक्स करके और मैं इसको अपने अब फेस पे फटाफट से अप्लाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से तो ये देखिए मैंने अपने फेस पे जो है वो अप्लाई कर लिया। फ्रेंड जब भी आप कोई भी फेस पैक अप्लाई करेंगे तो आप फेस के साथ साथ अपनी नेक पे भी ध्यान देंगे ताकि कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है। तो हमें सिर्फ 10 to 15 minutes लगाता है, तब तक के लिए मैं आपके कैमरे के साथ में तो नहीं बैठने वाली हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 to 15 minutes के बाद। तो फ्रेंड्स हो गए 10 to 15 minutes और अपने फेस को हमें बहुत ही अच्छे स्मूथली हमें अपने फेस को पोंछना है। और फ्रेंड्स आप लोग डिफरेंस देख ही रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। फ्रेंड्स आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसा रहा। अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।